वैक्सीन लगाने के बाद छात्रा की हालत गंभीर हो गई। वैक्सीनेशन टीम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वैक्सीन लगाने के बाद टीम तुरंत वापस आ गई। किसी भी वैक्सीन लगाने वाले छात्र छात्रा को निरीक्षण में नहीं रखा गया। बेहर अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़ी में हाई स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा को तकरीबन 2 बजे वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगने के 1 से 1.5 घंटे के बाद छात्रा बेहोश हो गई। टीचर स्टाफ को जैसे ही पता लगा उन्होंने उसे प्राथमिक उपचार के लिए गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहाँ छात्रा की हालत खराब होने पर उसे बेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। बेहर अस्पताल में उपचार के 6 से 7 घंटे बाद छात्रा को रात में होश आया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर बेहोश हो गई। आज दूसरे दिन छात्रा की हालत और गंभीर होते देख उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया। बालिका के पिता ने बताया कि वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल से फोन आया था, लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया गया था। बावजूद इसके उसकी बेटी को वैक्सीन लगा दी गयी। और मैं वो गढ़ी स्कूल में पढ़ने जाती है। कौन सी क्लास में? 9वीं पढ़ती है सर जी। और वहाँ कल 2 बजे उसको वैक्सीन लगाया गया है। मैंने नहीं बोला था कि वैक्सीन मत लगवाना करके जी। और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी फ़ोन से बात की है कि बनियारा जी मेरी भी नहीं बोली थी वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन बच्ची को वैक्सीन लगवा दिया गया है जबरदस्ती जी। और वहाँ से लड़की बेहोश हो गई तो उसकी एक छोटी बहन है त्रिवेणी बंदारा। कितने देर तक के बेहोश रही बच्ची? वो बच्ची लगभग 2 बजे लगी बेहोश हुई, वैक्सीन लगा। और छुट्टी के टाइम में फिर उनको मालूम पड़ा, वो त्रिवेणी जो बंजारा मेरी बिटिया है, ये दोनों साथ ही पढ़ते हैं 9वीं, तो उसने देखी इसको कि चल ज्वाला अपन घर चलते हैं करते। लड़की उठी नहीं, ज्वाला उठी नहीं, तो उनको फिर टीचर को बताया गया था। टीचर ने फिर मेरे को फ़ोन किए कि आप आइए परसमऊ करके। तो मैं परसमऊ तो नहीं आया गया, मैं माथागढ़ी में कोई काम से आया था। तो हम हॉस्पिटल ला रहे हैं करके तो मैडमों ने फोन किए, तो फिर गढ़ी हॉस्पिटल लाए सर। कितने घंटे बेहोश रही आपकी बेटी? ये लगभग 2 बजे से मेरे को 4:30 बजे 5 बजे गढ़ी हॉस्पिटल में लाए। उसके बाद भैया रिफर कर दिए? जी सर जी मैडम। और वहाँ फिर होश ही नहीं आया, फिर मेरे को भैया रिफर कर दिए। मैडम लोग गढ़ी तक आए, उसके बाद अभी आते हैं करके जो भागे मैडम लोग, तो ना मैडम आया ना डॉक्टर आया, जो वैक्सीन लगाया ना वो भी नहीं आया। मैं फिर अकेला वहीं से गढ़ी से मेरे को भैया भेज दिया गया। मैं कैसे लेकर के आया? एम्बुलेंस से, वही के डॉक्टर लोग ने फिर एम्बुलेंस बुलवाए और फिर मेरे को भैया रिफर कर दिए। भैया में आया तो यहाँ 10:30 बजे लड़की को होश आया, 2 बजे से बेहोश पड़ी थी। और बैहर में हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 10 बजे रात को लगभग होश आया। उसके बाद खाना वाना कुछ नहीं खाई, रात भर जैसा तैसा रही, मैं भी रहा। और अभी उसको थोड़ा सा नाश्ता करवा रहा था और खाते खाते फिर बेहोश छा गई आपके सामने। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे हालत सुधार हुई है इनकी? मेरे को नहीं जम रहा सर, मेरे को लग रहा रात भर में होश में आ गई थी तो चलो ठीक हो जाती, लेकिन अचानक फिर बेहोश आ गई उसको। मैंने टीचर को अभी भी फ़ोन कर दिया हूँ, वो ब्रह्मा सर को, तो उसने भी देख देख किया है बेचारे ने। तो त्रिवेणी को साथ में बताया था, मैंने फ़ोन से बात की, मैंने किया हूँ सर ऐसे करके। बच्ची को वैक्सीन लगा, कितने बजे एडमिट किया गया यहाँ पर, कैसी हालत है उसकी अभी? कल बच्ची को कल शाम को लेकर आ गया, लाया गया अस्पताल में। बच्चे के माता पिता के द्वारा यह बताया गया कि उसके दम में जो है वैक्सीन लगी थी कोरोना की, और उसके बाद से उसे बेहोशी छा गई थी, ऐसा उसके परिवारजनों का बताना था। जिसको कि गढ़ी अस्पताल में पहले प्राथमिक उपचार किया गया, वहाँ से उसे रेफर करके बैहर भेजा गया। बैहर में हमारे द्वारा उपचार किया गया, उसको जो जरूरी मेडिसिन थी उसको वो दी गई। इसके बाद उसे रात में 10:30 बजे होश आ गया जी। अभी कैसी हालत है? अभी बच्ची की जो स्थिति है सामान्य है, और जो जांच करने पर जो मुझे समझ में आ रहा है ये हिस्टीरिया है, जिसे कि हम कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से जोड़ के नहीं देख सकते हैं जी। तो क्या सर इसको रिफर किया जा रहा है कि यहीं रखा जा रहा है? क्योंकि माता पिता की जो है उत्सुकता और जो 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 घबराहट है उसे देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि बच्ची को जिला अस्पताल बालाघाट रिफर करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो जो है सीनियर कंसल्टेंट की निगरानी में ज़्यादा बेहतर उपचार पा सके। कितने घंटे बच्ची बेहोश रही सर? बच्ची के माता पिता के द्वारा तो यही बताया गया कि वैक्सीन लगने के 1-1.5 घंटे बाद उसको बेहोशी आई थी, और रात में जब अस्पताल में लाया गया तो उसको जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो उसको होश आ गया।
ठीक है, थैंक्स। बेहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट।